हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PISNS। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि देखिए, सब जितने भी लेडीज़ हैं, जितने भी जेंट्स हैं, एक दूसरे के लिए अब करवा चौथ का फास्ट रखेंगे, तो ये चाहेंगे कि हम बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई दें। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी ही वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें आप लोग अपने निखार को और दुगना कर सकते हैं, चेहरे को ग्लोइंग बना सकते हैं। अगर आप उनसे उसी से ही जो मैं बताऊंगी आपको टिप्स, वही आप अपने हाथ और पैरों पर अप्लाई करते हैं तो वहाँ के लिए भी ये बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी जो स्किन है वो फुल ग्लोइंग हो जाएगी। तो वो क्या चीज़ है, वो देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लेंगे उसमें आंवला पाउडर। आंवला पाउडर इसलिए लेंगे क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है और जो ग्लोइंग के लिए, स्किन लाइटनिंग के लिए, स्किन ब्राइटनिंग के लिए विटामिन सी सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसलिए हम आंवला पाउडर लेंगे। आंवला पाउडर कैसा लेना है, या तो आप मार्केट वाला बिल्कुल बारीक पाउडर लेंगे, इससे क्या होगा, ये स्क्रब के काम आएगा आपके। तो इसमें दूध मिला लेंगे, दूध में लैक्टिक एसिड होता है जिसकी वजह से इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो स्किन को और भी ज़्यादा ग्लोइंग कर देगा। दोनों को मिक्स करेंगे और दोनों को मिक्स करने के बाद रब करेंगे चेहरे पर इन दोनों के पेस्ट को। पेस्ट कैसा होना चाहिए, पेस्ट ना तो बिल्कुल ही पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। आपने स्क्रबर यूज़ किए होंगे, बिल्कुल वैसा ही पेस्ट होना चाहिए जिससे कि आपकी जो स्किन की डेडनेस है वो निकल जाए। और आपको ऐसे अप्लाई करना है, यहाँ पर ऐसे करना है, और मतलब कहने का ये कि राउंड शेप में अप्लाई करना है ताकि जितनी भी डर्ट आपकी स्किन पर है, हाथों पर है, पैरों पर है, सब खत्म हो जाएगी। स्क्रब करने से पहले चेहरे को एक बार अच्छे से धो लें क्योंकि धोने से जो डर्ट है वो निकल जाएगी। फेस वॉश कर लें किसी भी अच्छे फेस वॉश से, ठीक है। फिर आप स्क्रब के लिए आंवला और दूध अप्लाई करेंगे। अब दूसरी चीज़ क्या करेंगे, अब आप ब्लीच करेंगे। अब ब्लीच के लिए क्या यूज़ करेंगे, ब्लीच के लिए आप देखिए, बेसन या आटा आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। और फिर उसके बाद आप उन दोनों की कोई भी इनमें से एक चीज़ लेंगे और उसमें आलू का रस और नींबू यानी लेमन इसे मिला लें, और मिलाने के बाद इसको अपने फेस पर अच्छे से लगा लें, फेस पर, गर्दन पर इसको लगा लें। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो हल्के हल्के से ब्लैक बाल दिखते हैं और डेड स्किन हो जाती है वो लाइट हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, फेस पैक बनाएंगे। अब फेस पैक कैसे बनाएंगे, फेस पैक के लिए आप देखिए, उस ब्लीच करने के बाद आप एक बार स्टीम ले लेंगे, उस स्टीमर लेंगे, स्टीमर में आप थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे और उसकी भाप लेंगे। उससे क्या होगा कि जितनी भी डेड स्किन है, गंदगी है, वो सारी ही उस पसीने के जरिए बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अब आपने स्टीम ले ली। अब स्टीम लेने के बाद आप क्या करेंगे, आप फेस पैक लेंगे। अब फेस पैक आप कौन सा यूज़ करेंगे, एलोवेरा जेल होता है, या तो आपको एलोवेरा घर का जो होता है एलोवेरा वो मिल जाए, नॉर्मल नेचुरल एलोवेरा जो होता है वो मिल जाए, उसका गूदा निकाल लें और फिर उसके बाद, या फिर जो मार्केट से एलोवेरा मिलता है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको क्या लेनी है, दूसरी चीज़ आपको फ्लैक्स सीड्स लेने हैं, ठीक है। फ्लैक्स सीड्स लेंगे और उसमें थोड़ा सा टमाटर का रस मिला लेंगे और इनको अच्छे से इनका पेस्ट बना लेंगे और फिर आप अपने स्किन पर इसे लगा लेंगे। लगाने के 10 से 15 मिनट बाद आप हल्के से गुनगुने पानी से अपना फेस और अपनी गर्दन को वॉश कर लें, तो इससे आपका जो इंस्टेंट ग्लो है आप खुद देखेंगे कि आप कितने सुंदर लग रहे हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने आपको, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो, कंज्यूम ना हो, इसके लिए मैंने आपको झटपट से होने वाली रेमेडीज़ बताई हैं, जल्दी से सुंदर बन सकें और आपका ज़्यादा टाइम भी खर्च ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।